मोबाइल काम में लेने की घटना सामने आई है और हर बार की तरह प्रशासन का रटा रटाया जवाब सामने आता है कि जेल से कोई मोबाइल ऑपरेट नहीं होते। हाल ही में एक वीडियो सामने आया है जिसे जारी किया है राजसमंद के बहुचर्चित अफराजुल मर्डर केस के मुख्य आरोपी शंभूलाल रैगर। इस वीडियो में वह भड़काऊ बातें कर मामले को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास कर रहा है। जेल से जारी शंभूनाथ के इस वीडियो ने प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल तो ये भी उठ रहा है कि कहीं प्रशासन और सरकार की मिलीभगत से तो यह वीडियो जारी नहीं हुआ, अब सरकार और प्रशासन इसकी जांच की बात कर रहे हैं। जब उसके बैरक की तलाशी ली गई तो वहां पर कुछ भी नहीं मिला। मनिया में बच्ची के साथ बलात्कार, नाबालिग बच्ची के साथ शराब में नशे में युवक ने किया बलात्कार, रास्ते में खेलती हुई बच्ची को उठाकर खेत में ले गए युवक। बच्ची की उम्र 5 से 6 साल के बीच बताई जा रही। मनिया क्षेत्र के पास गांव की घटना, आरोपी का कोई सुराग नहीं लगा पाई पुलिस। झुंझुनू में एक शहीद परिवार ग्राम पंचायत से पिछले 16 साल से शहीद की प्रतिमा लगाने के लिए जगह की मांग कर रहा था, लेकिन बार बार चक्कर लगाने के बाद भी सैनिक परिवार को जगह नहीं मिली। जगह न मिलने पर शहीद की 16वीं पुण्यतिथि पर परिवार ने अपने ही खेत में शहीद की प्रतिमा लगवा दी और इसके लिए रास्ता सुझाया सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर ने। झुंझुनू के जेजूसर गांव में शहीद ग्राम निवास सोहू की मूर्ति का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर, सांसद संतोष अहलावत और सभापति सुरेश अहलावत सहित अन्य नेता मौजूद रहे। इस मौके पर प्रेम सिंह बाजौर ने शहीदों को देवता की तरह पूजे जाने का आह्वान किया और कहा कि शहीदों की कोई जाति या धर्म नहीं होता, हमें इनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। साथ ही उन्होंने शहीद परिवारों के पैकेज में की गई बढ़ोतरी पर सीएम वसुंधरा का आभार व्यक्त किया। सांसद संतोष अहलावत ने भी शहीद वीरांगना इंदिरा देवी का सम्मान करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने झुंझुनू को सैनिक स्कूल की बड़ी सौगात दी। इस देश को सुरक्षित देने वाले यही लोग हैं, इनके कारण से ही अपन, आप हम, चाहे मीडिया हो, राजनेता हो, बिजनेसमैन हो, खेती बाड़ी वाले हो, सब सुरक्षित इसीलिए बैठे। इसलिए जहाँ जाते हैं वहाँ सब लोगों को हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करते हैं कि शहीदों को देवता तुल्य माने, देवताओं के रूप में माने, इनका मान सम्मान करें, जात जड़ूला उतारें, इसको धर्म के साथ जोड़ेंगे तो आगे के सारे मार्ग अपने आप खुलेंगे। ये इसी प्रकार से जहाँ जाते हैं इस प्रकार की भावना रखते हैं। जिस प्रकार का माहौल आप देख रहे हैं, सभी जाति वर्ग धर्म के लोग यहाँ उपस्थित हैं। शहीद हमारी शान है, शहीद हमारी देश की आन बान और शान को अक्षुण रखने के लिए सेनाओं की हिफाजत करते हैं। हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम शहीद के परिवारों के साथ खड़े रहें, हम शहीद के मान सम्मान में कोई कमी नहीं रखें। और ये झुंझुनू जिला है, ये स्वयं में अपने आप में एक मिसाल है। यहाँ के लोग हमेशा ही हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, चाहे भले ही सीमाओं का हिफाजत करने की बात हो, दान देने की बात हो, भामाशाहों की बात हो। सतियों संतों की धरती है ये, इसलिए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ और समस्त झुंझुनू जिले की तरफ से शहीद रामनिवास सोहू को शत शत प्रणाम करती हूँ। बाल विकास विभाग की ओर से नर्सिंग राजस्थान विजन 2022 के लिए पहला राज्य स्तरीय और अंतर विभागीय नीति और योजना निर्माण के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान में कुपोषण को दूर करने वाली चुनौतियां और प्रभावी नीतियों को लागू करने के लिए मानवीय संसाधनों का विकास करके प्रभावी क्रियान्वयन करने पर जोर दिया गया। खाद्य आपूर्ति और कुपोषण से जूझ रहे परिवारों को स्वस्थ पोषण उपलब्ध करवाने और राजस्थान की पोषण नीति को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए इस नीति को घर घर पहुंचाने की राजस्थान को सख्त जरूरत है।
जहाँ पे सबसे ज़्यादा बर्डन ऑफ लो बर्थ वेट है या जहाँ सबसे ज़्यादा पौष्टिक आहार की ज़रूरत है वहाँ तक हम पहुँच ही नहीं रहे। सो पहला ममता जैसी इंस्टीट्यूशन जो है उसका मेन उद्देश्य यही है कि हम कैसे अनरीच्ड पॉपुलेशन उन तक पहुंच पाएँ और जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं उन तक पहुंचा पाएँ और उनको गवर्नमेंट के प्रोग्राम में शामिल कर सकें। जब ये स्ट्रेटजी हमारी काम कर जाएगी सरकार के साथ मिल के और आगे बढ़ के, मेरे हिसाब से हम इसमें अंदर बहुत बदलाव ला पाएंगे। सो द लास्ट माइल हैज़ टू बी रीच्ड, वो जो आखिरी कोना जहाँ पे वो माएँ और वो बच्चे हैं जो कि प्रोग्राम तक नहीं पहुँच पाते, उनको प्रोग्राम में शामिल करना और उनके न्यूट्रिशनल नीड को एड्रेस करना विद इन द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और उसको आगे इंफॉर्मेशन नॉलेज को बढ़ाना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और न्यूट्रिशन एक देश की का पिलर होता है। भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल विजय सिंह झुंझुनू के दौरे पर रहे। वे सेना के विशेष विमान से झुंझुनू की हवाई पट्टी पर उतरे, जहां से वे सीधे चुड़ैला पहुंचे और सेना भर्ती का जायजा लिया। उन्होंने युवाओं से सीधी बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया। चुड़ैला पहुंचने पर भर्ती निदेशक कर्नल देवराज पात्रा ने उनकी अगुवाई की और सारी व्यवस्थाओं से रूबरू करवाया। इसके बाद विजय सिंह ECHS क्लिनिक पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। यहां पर उन्होंने मौजूद पूर्व सैनिक, भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों और प्रतिनिधियों से बातचीत की। बातचीत में अस्पताल में एक महिला चिकित्सक की कमी को बताया गया, जिसे शीघ्र ही दूर करने का उन्होंने आश्वासन दिया। इसके अलावा उन्होंने कैंटीन का निरीक्षण किया। करीब 4 घंटे झुंझुनू में रहने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल वापस सेना के विशेष विमान से लौट गए। झुंझुनू में 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों के साथ लांबा गोठड़ा गांव में मारपीट का एक मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक नरहट लोकेशन की 108 एम्बुलेंस एक केस लेने के लिए नरहट से झुंझुनू जा रही थी। रास्ते में लांबा गोठड़ा गांव के चौराहे पर बाइक सवार को इस एम्बुलेंस ने टक्कर मार दी। मौके पर ही एक कार्यक्रम चल रहा था जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। भीड़ को देखकर एम्बुलेंस कर्मी घबरा गए और उन्होंने हादसे के बाद एम्बुलेंस को रोकने के बजाय अपनी गाड़ी को भगा लिया, जिसका पीछा करके लोगों ने उनको पकड़ लिया और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। इस मारपीट में EMT कपिल को चोट आई है। घटना की सूचना उच्च अधिकारियों को देने के बाद जिला प्रभारी रणवीर सिंह मौके पर पहुंचे, जिनके साथ एम्बुलेंस कर्मचारियों ने बगड़ थाने में अज्ञात युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। हम आ रहे थे नर्ड से, गाड़ी यहाँ BDK में रेफर था, BDK से SMS जयपुर के लिए। तो अचानक ये लांबा गोठड़ा के अंदर बाइक वाला आ गया आगे, तो उसको गाड़ी ने जो है टक्कर मारी तो साइड में गिर गया। तो हमने गाड़ी रोकी तो उन्होंने आके मारपीट की और मेरे यहाँ पे लगी है। ये नर्ड से गाड़ी चल के आ रही थी लामा कोटा के अंदर चौरस्ते के ऊपर, साइड से मोटरसाइकिल आई, हमने गाड़ी धीरे भी की और गाड़ी मोटरसाइकिल फेंट लगी और वो चल गए साइड में। बाद हम वहाँ से भाग लिए रास्ते में पीछे से। मोबाइल काम में लेने की घटना सामने आई है और हर बार की तरह प्रशासन का रटा रटाया जवाब सामने आता है कि जेल से कोई मोबाइल ऑपरेट नहीं होते। हाल ही में एक वीडियो सामने आया है जिसे जारी किया है राजसमंद के बहुचर्चित अफराजुल मर्डर केस के मुख्य आरोपी शंभूलाल रैगर। इस वीडियो में वह भड़काऊ बातें कर मामले को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास कर रहा है। जेल से जारी शंभूनाद के इस वीडियो ने प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल तो ये भी उठ रहा है कि कहीं प्रशासन और सरकार की मिली भगत से तो यह वीडियो जारी नहीं हुआ। अब सरकार और प्रशासन इसकी जांच की बात कर रहे हैं। जब उसके बैरक की तलाशी ली गई तो वहां पर कुछ भी नहीं मिला। मनिया में बच्ची के साथ बलात्कार, नाबालिग बच्ची के साथ शराब में नशे में युवक ने किया बलात्कार। रास्ते में खेलती हुई बच्ची को उठाकर खेत में ले गए युवक।
बच्ची की उम्र 5 से 6 साल के बीच बताई जा रही। मनिया क्षेत्र के पास गांव की घटना, आरोपी का कोई सुराग नहीं लगा पाई पुलिस। झुंझुनू में एक शहीद परिवार ग्राम पंचायत से पिछले 16 साल से शहीद की प्रतिमा लगाने के लिए जगह की मांग कर रहा था, लेकिन बार बार चक्कर लगाने के बाद भी सैनिक परिवार को जगह नहीं मिली। जगह न मिलने पर शहीद की 16वीं पुण्यतिथि पर परिवार ने अपने ही खेत में शहीद की प्रतिमा लगवा दी और इसके लिए रास्ता सुझाया सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर ने। झुंझुनू के जेजूसर गांव में शहीद ग्राम निवास सोहू की मूर्ति का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर, सांसद संतोष अहलावत और सभापति सुरेश अहलावत सहित अन्य नेता मौजूद रहे। इस मौके पर प्रेम सिंह बाजौर ने शहीदों को देवता की तरह पूजे जाने का आह्वान किया और कहा कि शहीदों की कोई जाति या धर्म नहीं होता, हमें इनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। साथ ही उन्होंने शहीद परिवारों के पैकेज में की गई बढ़ोतरी पर सीएम वसुंधरा का आभार व्यक्त किया। सांसद संतोष अहलावत ने भी शहीद वीरांगना इंदिरा देवी का सम्मान करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने झुंझुनू को सैनिक स्कूल की बड़ी सौगात दी। इस देश को सुरक्षित देने वाले यही लोग हैं, इनके कारण से ही अपन, आप हम, चाहे मीडिया हो, राजनेता हो, बिजनेसमैन हो, खेती बाड़ी वाले हो, सब सुरक्षित इसीलिए बैठे। इसलिए जहाँ जाते हैं वहाँ सब लोगों को हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करते हैं कि शहीदों को देवता तुल्य माने, देवताओं के रूप में माने, इनका मान सम्मान करें, जात जड़ूला उतारें, इसको धर्म के साथ जोड़ेंगे तो आगे के सारे मार्ग अपना आप खुलेंगे। झुंझुनू के मोरारका कॉलेज में बीते दिनों पार्क की नामकरण पट्टिका तोड़ने का मामला अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किए गए छात्र नेताओं के साथ कॉलेज के विद्यार्थियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। छात्र नेता प्रशांत गौड़ की अगुवाई में किए गए प्रदर्शन के बाद कलेक्टर को मांग पत्र दिया गया, जिसमें मामले की जांच करवाने, दोषी प्राचार्य और छात्र संघ पर कार्रवाई करने की मांग की गई। छात्र नेता गौड़ ने आरोप लगाया कि उन्हें और अन्य छात्र नेताओं को पुलिस ने बेवजह गिरफ्तार किया, जबकि इस मामले में उनका कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने कहा कि यदि मामले की जांच होकर दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती है तो वे आंदोलन करेंगे। बता दें कि बीते दिनों कॉलेज में स्थित एक पार्क का नामकरण चौधरी चरण सिंह के नाम पर किया गया था, जिसमें छात्र संघ अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष के नाम होने की आपत्ति की खबरें मिली। इसके बाद पट्टिका को तोड़ दिया गया, जिसके बाद से कॉलेज में तनाव का माहौल बना हुआ है। परंतु दोषी वो प्रिंसिपल और जो छात्र संघ अध्यक्ष दोषी है, उन दोनों की मिली भगत है। उनको छात्र संघ अध्यक्ष के खिलाफ और प्रिंसिपल के खिलाफ हम कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। राजधानी में आए दिन कोई न कोई आपराधिक घटना सुर्खियों में रहती है। शहर में कुछ दिन पहले हुए एसिड अटैक की घटना को देखते हुए श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर अश्विनी जी महाराज के आशीर्वाद से सूर्य शक्ति जागरण संस्था की स्थापना की गई। स्थापना के दौरान संस्था की कोर कमेटी का गठन किया गया, जिसमें संस्था के सदस्यों ने समाज में हो रहे अपराध और दुष्कर्म की घटनाओं के खिलाफ आवाज उठाने और पीड़ित को न्याय दिलवाने की शपथ ली। तो हमारे भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से हमने इसकी स्थापना की है आज के दिन, और हम जितने भी महिलाओं के प्रति आस्था जता करके और जितना भी हम कार्य अच्छा से अच्छा कर सकते हैं महिलाओं के प्रति सम्मान की रक्षा के लिए, वो हम इस संस्था के माध्यम से करेंगे। प्रेम को क्या मानते हैं लोग? ये प्रेम है क्या? इसको प्रेम नहीं कहा जाता मेरी नजर में। प्रेम भगवान श्री कृष्ण करते थे, प्रेम वो है, ये प्रेम नहीं है, ये एक हैवानियत है, इसको हैवानियत कहा जाएगा मेरी नजर में। और मैं तो ये कहूंगा इस प्रकार की जो भी घटनाएं जहां भी किसी भी क्षेत्र में कहीं भी होती है, इस प्रकार के जो भी व्यक्ति हैं उनको तुरंत दंड दिया जाए। सरकार नहीं देगी तो हम देंगे, हमने जो संस्था की स्थापना करी उससे हम दंड देंगे उनको। और आज सरकार अगर कुछ पैसे दे करके या किसी को कुछ कह करके बिठा देती है, चुप कर देती है इस मामले को, तो हम इसके लिए चुप नहीं रहेंगे। इसके लिए हमारी संस्था आवाज उठाएगी और अपराधी को सजा मिलेगी पूर्ण रूप से। We'll be right back.
वैशाली नगर स्थित एक एस्ट्रोलॉजी सेवा केंद्र का उद्घाटन हुआ, जिसमें डॉक्टर रेखा ने बताया कि एस्ट्रोलॉजी का मतलब जिस तरह प्रकृति से छेड़छाड़ की जा रही है, इन सब चीजों का प्रभाव वर्तमान मनुष्य के शरीर पर पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह अवैध खनन, पेड़ों की कटाई और सबसे बड़ी चीज मेट्रो के लिए खोजी गई सड़कें और सुरंगें कहीं न कहीं आम आदमी के जीवन पे प्रभाव डाल रही है, और यह प्रभाव पड़ने से मनुष्य की मानसिक स्थिति कहीं न कहीं डाउन जरूर हुई है। इसी के चलते उन्होंने यह फैसला किया कि जिस तरह प्रकृति से छेड़छाड़ की जा रही है, उसका किसी न किसी तरह से हल निकाला जाए और मनुष्य को बीमारियों से बचाया जा सके। ये एलरोड और पेंडुलम ये बेसिक है, इसके अलावा क्या है कि ये अभी जो है अल्ट्रा मॉडर्न है और सबसे बेस्ट तरीका है डाउसिंग का। इससे हम किसी भी तरीके की एनर्जीज जो है पकड़ सकते हैं और स्पेसिफिक एनर्जीज हम कर सकते हैं कि ये इस चीज की एनर्जी है। वैदिक वास्तु जो है ही वो इफेक्ट करती है ना, नो डाउट कि वो इफेक्ट करती है, बट जियोपैथी बहुत ज्यादा बीमारियों के लिए जियोपैथी बहुत इफेक्ट करती है। जियोपैथी के कारण आपको बताती हूँ मैं कि जियोपैथी क्या रहता है कि देखिए प्राकृतिक कारण है, क्योंकि पृथ्वी के नीचे प्लेट्स है, आप जानते हैं कि पृथ्वी के नीचे प्लेटें हैं, वो नेचुरल तरीके से खिसकती रहती है, भूकंप आते हैं तो भी खिसकती है। इसके अलावा क्या है, जब हम अननेचुरल तरीके से पृथ्वी को डिस्टर्ब करते हैं, जैसे कि हमने मोटरवेज बनाई, रेलवे, स्टील पाइपिंग वगैरह हम किसी भी करते हैं, ब्रिज जो बनाते हैं हम बड़े बड़े, इसके अलावा बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगे बनती है उसके नीचे तक जो उसकी वो जाती है, स्टील पाइपिंग वगैरह जाती है, सीवरेज है, इलेक्ट्रिसिटी जब अंडरग्राउंड लेते हैं, इसमें सबसे बड़ा अभी जयपुर में जो है, अभी जैसे मेट्रो का जो डला है इसमें पूरी जो पृथ्वी है काफ़ी डिस्टर्ब हुई है, और इसका अगर अपन कहीं भी चेक करें तो बहुत बड़ा जियोपैथिक स्ट्रेस बना होगा। तो जो इसका मतलब यह है कि जब हम अननेचुरल तरीके से पृथ्वी को डिस्टर्ब करते हैं, पृथ्वी डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी जो नेचुरल मैग्नेटिक वेव्स है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और वो हमें घातक तरंगें लेकर के उसमें से गैसेज जो निकलती है वो घातक निकलती है और उसके ऊपर रहने वालों को बीमार बना देती है।